नरसिंहपुर की ठेमी पुलिस की हिरासत में एक युवक की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। आशंका है कि हार्ट अटैक से युवक की मौत हुई है। दरअसल ठेमी थाने के खापा गांव में जुआ खेलने की सूचना पर कार्रवाई करने ठेमी पुलिस गई थी, जिस दौरान पकड़े गए तीन युवकों में से एक की मौत हो गई। परिजनों सहित विधायक ज्वालम सिंह ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे पुलिस कस्टडी में प्रताड़ना के चलते मौत बताते हुए पुलिस कर्मियों पर 302 का मामला दर्ज करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि ठेमी थाना अंतर्गत नया गांव चौकी पुलिस को खापा गांव में जुआ खेलने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने रेड मारी और तीन युवकों को इस दौरान पकड़कर इन्हें नया गांव पुलिस चौकी लाए, जहां वीरेंद्र पटेल नामक आरोपी की घबराहट के चलते तबीयत बिगड़ती तो पुलिस ने अन्य दो आरोपियों के साथ वीरेंद्र को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया, पर खुद आने की जहमत तक नहीं उठाई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वीरेंद्र के परिजन और चश्मदीद पुलिस पर प्रताड़ना देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं नरसिंहपुर विधायक ज्वालम सिंह ने पुलिस और प्रदेश की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कमलनाथ सरकार लूट खसोट में लगी हुई है और पुलिस को अपना एजेंट बनाकर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। हर थानों को लूट का अड्डा बना रखा है और वीरेंद्र पटेल की मौत को उसी लूट का परिणाम बताते हुए आरोपी पुलिस कर्मियों पर 302 का मामला दर्ज करने की मांग की है। वहाँ गांव में पत्ता लगे थे। कौन से गांव में? खापा ग्राम में। और हमारे जिया जी वीरेंद्र पटेल जो वहाँ पत्ता के पास जाकर खड़े भाई थे, इतने में पीछे से पुलिस 7-8 लोग आए, पुलिस वाले, और उनको सबको पकड़ लिया। कुछ लड़के भाग गए, तीन लोगों को पकड़ लिया। बल्कि जिया जी तो वहाँ पत्ते खेल भी नहीं रहे थे, जहाँ तक पहुँच आई थे खेलने वाले बता रहे हैं। और उनको उनने मना भी किया कि आप इनको मत ले चलो, उनको स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, तो इनको पैसा वाला देख के समझ के इनको काम मिलेगा। उनको उसी समय से पसीने सीना आना चालू हुआ। चाहते तो वहाँ पर घर पे भी रुक सकते थे, उनके घर भी बता सकते थे, या वहाँ गांव में छोड़ सकते थे, बोटी करने थी, कानून प्रक्रिया से आप जो भी चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन उनको ले जाना जरूरी नहीं था। इस कारण से उनकी मौत हो गई। हत्या कहाँ लेके जा रहे थे? ठेमी थाना या कोतवाली तक पहुँच पाया, ठेमी थाना ले जा रहे थे। मध्य प्रदेश जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में लूज खटोज और गुंडागर्दी कांग्रेस की सरकार पुलिस से करा रही। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से हम अपने ज़िले की बात करें तो थानों में लूट मची है, बिना पैसे के काम नहीं हो रहे, और जो आज जो घटना हुई है उसमें खापा के एक हमारे कार्यकर्ता हैं, वो बीमार थे और सामान्य से गांव में जो पत्ता खेलते वो खेल रहे थे। पुलिस आई और उनको वहाँ से उठा के जबरन ले गई और उनके साथ अभद्रता की, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं ताकत के साथ। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके परिजन भी मांग कर रहे हैं कि उन पर 300 जो पुलिस वाले उनको लेकर उन पर 302 की कायमी होना चाहिए, और मैं भी मांग करता हूं। यहां पे मतलब ये साथ से ये लोग आए साहब लोग, कछु लोगों ने भाग लिए, हम तीन लोग मतलब थोड़ी नहीं पाए थे और पकड़ लिया। कुल तीन लोगों को पकड़ा था? हाँ। फिर क्या हुआ? आपको भी पकड़ा? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग को गाड़ी में लेके आए, नए गांव लेके आए, तो रास्ता में उनको पसीना सा आया, फिर उन्हीं ने पानी पिलाया उनको। फिर हमने बोली थी, हमने साहब हम और उन्हें ले जा छोड़ देते ही कि हम केसेस कुछ नहीं बन रहा है आपको। फिर वहां पे ले गए, थोड़ी देर वहां बिठाया, फिर इनको ज़्यादा और पसीना सा आया तो फिर इनने एक गोली खाई और फिर उसी गाड़ी में हम ले के मतलब आ रहे थे नरसिंहपुर, तो रास्ते में एम्बुलेंस मिल गई तो उसमें बिठा के मतलब वो लोग वापस चले गए, हम लोग यहाँ आ गए। पुलिस साथ में नहीं आई? साथ में नहीं आई थी। फिर क्या हुआ? यहाँ आए तो धमना के साइट आए तो उनको फंसू का सा आने लिया, पापा ने ये नहीं मालूम कि साहब। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ आ गए। अस्पताल जी? क्या बताया डॉक्टर ने? चेक किया और बस वो थाना ठेमी की पुलिस गई थी रेड कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र नाम के व्यक्ति को हृदय में तकलीफ होने से उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल नरसिंहपुर भेजा गया था, जहाँ सर इसमें कुछ परिजन उनके आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे, इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसकी जांच करवाई जाएगी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा।
माध्यम से, और जो भी जैसा पाया जाएगा जिसके खिलाफ में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।